तो कैसे दोस्तों, आगे हम नए वीडियो के साथ में, और आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर कोई भी इंसान आपके सामने झूठ बोल रहा है तो वो झूठ को आप कैसे पकड़ सकते हो। चाहे आप किसी रिलेशन में हो, चाहे आप किसी के कस्टमर हो, या आप कोई इंटरव्यूअर हो, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है तो आप कैसे पहचानोगे। और साथ ही साथ मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से झूठ को पकड़ती है अगर उनके सामने कोई भी कैंडिडेट होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आपको ऐसा परफेक्ट पॉइंट बताने हो, क्योंकि उससे कभी कोई इंसान आपके सामने से बच के नहीं जा सकता। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। अगर सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आप किसी भी आदमी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, सपोज आप किसी से पूछते हो कि ये चीज आपने किसने की ली, और वो आदमी एक सेकंड सोच के जवाब देता है। अगर उसने पॉज लिया और उसने आपको जवाब दिया, इसका मतलब उसने दिमाग में सोचा है कि मुझे क्या जवाब देना, और वो एक सेकंड जो होता है वो ये बता देता है कि इंसान जो है आपको किसी भी चीज का प्राइस सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो अगर कोई भी इंसान आपके सामने किसी भी चीज पे पॉज लेके आपसे बात करे, तो आप समझ लेना कि वो एक बार अपने दिमाग में सोच रहा है, उसके बाद आपको आंसर दे रहा है, इसका मतलब उस बात पे वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद दूसरा तरीका आता है, अगर किसी भी इंसान से आप कुछ पूछते हो और वो झूठ बोल रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो नॉर्मल सी बात पे भी गुस्सा करना शुरू करेगा। वो जिस बात पे कोई रिएक्ट करना नहीं होता, उस बात पे रिएक्ट करके आपको गुस्सा दिखा के ये शो करे कि जो आप उसे पूछ रहे हो उस बात पे उसको गुस्सा आ रहा है, और वहां पे जल्दी से जल्दी सिचुएशन से निकल के और भागने की कोशिश करेगा। इसके बाद में तीसरे तरीके का इंसान आता है। तीसरे तरीके का इंसान करता है सेम ऐसी सिचुएशन में, एक अच्छी सी स्माइल देगा, एक झूठी स्माइल देगा, और बातों को घुमाने की कोशिश करेगा। और जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो इसी तरीके का रिएक्ट करेगा। कहां गाड़े थे याद तो है तुमको, जहाँ गाड़े थे। तब आपको ये पहचान लेना है कि इंसान सच में झूठ बोल रहा है। इसके बाद जो तरीका आता है उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी इंसान से उसके बारे में कुछ पूछते हो और वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी वॉइस टोन बदल जाती है, वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। वो उसकी जो नॉर्मल टोन होगी उस नॉर्मल टोन के ऊपर बात नहीं करेगा, उसके बात करने का तरीका हमेशा बदला हुआ होगा जब भी आप उससे बारे में पूछेंगे। तो अब मैं बताता हूं आपको अगर इंडियन आर्मी वाले किसी भी झूठ को कैसे पकड़ते हैं। इंडियन आर्मी में कैसेस भी होती है, तो वो क्या करते हैं, जिस दिन पहला दिन होता है, पहले दिन जितने 150 और 160 जितने भी कैंडिडेट्स बुलाए होते हैं, सारे कैंडिडेट्स को एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म में उनके पास 15 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसके लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि उन्होंने कब पढ़ाई की, कहां रहे, कहां खाते थे, कहां पीते थे, या क्या क्या एजुकेशन करी है, या उनके क्या क्या हॉबीज हैं। वो सारा डाटा उस 50 क्वेश्चन में होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद में उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर उनका इंटरव्यू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाला हमेशा अपनी बात को याद नहीं रखता, और एटलीस्ट 5 दिन के बाद में अपनी चीज को जरूर भूल जाता है। अगर किसी आदमी का आपने झूठ पकड़ना है किसी भी तरीके से, तो आप उसके क्वेश्चन को थोड़े दिन के बाद में आप दोबारा उसे रिपीट करके पूछोगे, तो अगर उसने झूठ बोला होगा या गलत आंसर दिया होगा, तो वो दोबारा फिर आपको गलत ही आंसर देगा, वो आंसर उसके पुराने आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप इंसान का झूठ पकड़ सकते हो। इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिसमें आप किसी भी आदमी का झूठ पकड़ सकते हो। जब भी किसी आदमी से आप क्वेश्चन करते हो, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आज जब किसी आदमी से कुछ पूछो और आपको लग रहा है वह झूठ बोल रहा है, तो उसके दिल के ऊपर हाथ रख दीजिए। जब आप उसके दिल के ऊपर हाथ रखोगे, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। जैसे ही अगर आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो आप समझ जाना कोई इंसान झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट में भी इसी तरीके से पल्स को और हार्ट बीट को चेक करके पता लगाते हैं कि अगर इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, और लाइव डिटेक्टर जो होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इससे जो लाइव डिटेक्शन वाले होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, ये है बहुत अच्छे तरीके अगर आपको किसी के झूठों को पकड़ना है, चाहे वो आप इंटरव्यूअर हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, या आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, किसी के कस्टमर हो, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ और खरीद रहे हो, आपके सामने वाला बैठा आदमी से आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये आप इन सारे तरीकों को अपना के पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।